हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं जो सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा का जो इंटरव्यू चल रहा है, 24 अक्टूबर को पूछे गए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। और आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो उत्पाद अवधारणा किसे कहते हैं। तो उत्पाद अवधारणा के बारे में बताना है आपको, जब उपभोक्ता उन उत्पादों का पक्ष लेते हैं जिनमें गुणवत्ता, निष्पादन अथवा नवाचारी तत्व होते हैं, तब उसे उत्पाद अवधारणा कहते हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब डिजिटल पर डिजिटल उत्पाद या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के रूप में परिभाषित किया गया, तो ये ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स कहते हैं इसे। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं, मैंने जितने भी वीडियो बनाया है तो वो सब के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चार्ज देने होंगे, उसके बाद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किस सिफारिश पर बनाई गई थी। तो नाबार्ड तलवार कमेटी की सिफारिश पर बनाई गई थी। और इसके बाद देखिए रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये विमुद्रीकरण के बारे में बताना है। तो विमुद्रीकरण के बारे में मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस में ही ये पूछा गया था, तो उसमें से आप लोग पिछला वीडियो हम लोग देख लेंगे ज़रूर से, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चंस दोहराया नहीं है जो कि एक बार पूछा गया है, मैं इसलिए आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं को सरकार किस अधिनियम के द्वारा रोकती अथवा नियंत्रित करती है। तो ये देखिए औद्योगिक नीति अधिनियम के द्वारा 1991 में जो कि हुआ था, इसी अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं को अधिनियमित करती है। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये पूछा है, साथ ही साथ आप लोग लाइक करते चलिए, और आपका एक लाइक से मेरा ये वीडियो प्रमोट होता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और कमेंट भी किया कीजिए। ये देखिए हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया गया है यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? हिंदी दिवस, तो ये अनुच्छेद 343 एक के अनुसार है राजभाषा है। और इसके बाद देखिए पूछा गया है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए पूछा गया है अगला क्वेश्चन, मैथिली किस राज्य की भाषा है। तो मैथिली बिहार की भाषा है, बिहार राज्य की भाषा है। और इसके बाद देखिए है अगला क्वेश्चन, इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट टैक्स के बारे में आपको बताना है। इनपुट टैक्स का अर्थ है किसी पंजीकृत व्यक्ति को वस्तु या सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगने वाला केंद्रीय कर CGST या राज्य कर SGST या एकीकृत कर IGST या संघ शासित क्षेत्र कर। ये सब कर आपका इनकम कर में आ जाता है, ये इनपुट टैक्स में आ जाता है, इनपुट कर में आता है। और इसके बाद देखिए और क्या है इसमें, इसमें रिवर्स चार्ज बेसिस पर और आयात पर लगने वाला एकीकृत कर भी शामिल है। और इसमें संयोजन कर आरोपण के रूप में दिया कर शामिल है। तो ये सब कर आपके इनपुट कर में आ जाता है। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कर। ये देखिए साइंस से पूछ दिया गया है क्वेश्चंस, और पूछा गया है प्रबंधन क्या कहलाता है। तो एपिकल्चर,
प्रबंधन मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पूछा गया है, ये भी देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रियान गैस के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। और इसके बाद एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट किस में डिस्प्ले होता है, तो एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट फार्मूला बार में डिस्प्ले होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा गया था अभी जूनियर असिस्टेंट वाले में ही ये क्वेश्चन से। इसके बाद एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है, एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछ दिए गए हैं ये सब। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके लिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस तक आसानी से पहुँच पाए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, तो ये कौन कौन से होते हैं, साधारण उद्देश्य क्रेडिट कार्ड मतलब रिवॉल्विंग क्रेडिट कार्ड, इसके बाद है स्टोर कार्ड, इसके बाद है परंपरागत चार्ज कार्ड। तो ये 3 प्रकार के सबसे मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं क्रेडिट कार्ड, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चंस हमारा पिछला वीडियो जो था 23 अक्टूबर का, उसमें पूछा गया था क्रेडिट कार्ड के बारे में और इसके प्रकार भी पूछा गया था, लेकिन प्रकार मैं उसमें ऐड नहीं कर पाया था क्योंकि बाद में ये मुझे कमेंट के माध्यम से पता चला था क्वेश्चन, इसलिए मैं क्रेडिट कार्ड का प्रकार इस वीडियो में नहीं डाला है। इसके बाद देखिए अगला पूछा गया क्या है, लघु ऋण क्या है, तो लघु ऋण के बारे में बताना है। सामान्यतः लघु ऋण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों अर्थ शहरी व शहरी इलाकों के गरीबों को उनकी आय और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी छोटी मात्रा में उपलब्ध करवाए जाने वाले बचत ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाएं तथा उत्पाद, ये लघु ऋण कहलाता है। तो इस तरह से आज के क्वेश्चंस पूरे हुए, और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइए, और शेयर तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये आपके साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।